हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिजवान, आप देख रहे हैं रिजुटेक। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यूट्यूब थंबनेल कैसे क्रिएट करें। सो यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करने के लिए हमें एक ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है पिक्सल ऐप। वो इजी से आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो कुछ लंबा होने वाला है लेकिन इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको वीडियो समझ में आना है तो आप बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिए। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम रिजुटेक। सो मेरा कल का वीडियो था यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करें। उस वीडियो में एकदम सही तरीका बताया गया है। अगर आप उस वीडियो को अब तक नहीं देखे तो मैं एक बटन दे दूंगा, वहां से जाकर आप जल्दी से देख लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गोइंग टू स्टार्ट। चलो गाइस, मैं आज आपको प्रैक्टिकली यूट्यूब थंबनेल कैसे क्रिएट करते हैं मैं आज आपको एकदम प्रैक्टिकली बताता हूँ। उसके लिए हमें एक ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है पिक्सल ऐप। वो आपको प्ले स्टोर में इजी से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ऐप पिक्सल ऐप, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखता है, फिर ऊपर राइट साइड 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद इमेज साइज जो है, इमेज साइज पर क्लिक करना है। इमेज साइज पर क्लिक करने का जो कस्टम दिखा रहा है वो कस्टम पर क्लिक कर हमें यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करना है। उसके बाद में ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद हमें जो लेफ्ट हैंड साइड टॉप पर प्लस का सिंबल दिखा रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करने के बाद हमें एक फ़ोटो ले लेना है, जैसे कि मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ। उसके बाद में नीचे राइट हैंड साइड राइट का ऑप्शन दिखा रहा है, उस पर राइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं ये इमेज सेट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इमेज सेट कर लिया यहाँ पर। उसके बाद में ऊपर प्लस का सिंबल दिखा रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो न्यू टेक्स्ट दिखा रहा है हमारे फ़ोटो में उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद हमें ये हमारा ये वीडियो है यूट्यूब थंबनेल कैसे क्रिएट करें, तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूट्यूब थंबनेल। सो ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए एडजस्ट कर लिया। तो जो नीचे ए का सिंबल दिखा रहा है उस पर क्लिक करता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद जो हमें यहाँ पर ए बी फॉन्ट दिख रहा है फॉन्ट, उस पर क्लिक करता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद हमें जो फॉन्ट पसंद है वो क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को ये फॉन्ट बहुत पसंद है तो मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद हमें इसका कलर सेट करना है। यहाँ कलर का ऑप्शन दिखा रहा है, कलर पर क्लिक करता हूँ। कलर पर क्लिक करने के बाद मुझे येल्लो पसंद है तो मैं येल्लो पर क्लिक करके राइट दबाता हूँ। सो राइट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पर बैकग्राउंड दिखा रहा है, बैकग्राउंड पर सेलेक्ट करता हूँ, उसको एनेबल करता हूँ। एनेबल करने के बाद हमें जो कलर पसंद है वो कलर सेट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को ब्लैक पसंद है, मैं राइट दबाता हूँ। उसके बाद में हमें स्ट्रोक यानी आउटलाइन सो एनेबल करना हो। एनेबल करने के बाद आउटलाइन मैं रेड या पर्पल या वाइट, जो भी आउटलाइन आपको पसंद है वो आउटलाइन लगा सकते हैं आप। सर चलो मेरे को ये आउटलाइन बहुत पसंद है, मैं राइट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद प्लस का सिंबल जो दिखा रहा है उस पर क्लिक करता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद न्यू टेक्स्ट पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद हमें फिर लिखना है कैसे बनाए। सो यहाँ पर लगाता हूँ। उसके बाद में हमें फ़ॉन्ट चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ दिख रहा है फ़ॉन्ट, यहाँ फ़ॉन्ट पर क्लिक करके हमें जो फ़ॉन्ट पसंद है वो फ़ॉन्ट पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करना है। ये मेरे जो पसंद है उसके बाद में ओके पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में हमें कलर चूज़ करना है, जैसे कि मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ रेड। उसके बाद में ओके करता हूँ। उसके बाद में हमें बैकग्राउंड चूज़ करना है, यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद हमें एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद हमें जो बैकग्राउंड पसंद है आपको वो बैकग्राउंड लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को वाइट पसंद है तो मैं वाइट पर क्लिक करके राइट दबा देता हूँ। उसके बाद में हमें स्ट्रोक पर क्लिक करना है। स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद अगर हमको आउटलाइन बहुत बहुत ब्रॉड दिख रहा है तो हमें उसको कम करना है, बोलते हैं यहाँ पर जो माइनस का सिंबल दिख रहा है इस पर क्लिक करता हूँ। चलो राइट, उसके बाद में राइट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में हमें प्लस का सिंबल पर जाना है, फिर टेक्स्ट पर जाना है, फिर न्यू टेक्स्ट पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये
कट कर देना। कट करने के बाद यहाँ फिर टाइप कर लेता हूँ जानिए कैसे। सो इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, फ़ॉन्ट पर क्लिक करता हूँ, ये फ़ॉन्ट अप्लाई करता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में हमें कलर चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं कलर ले लेता हूँ ब्लैक, चलो मैं ब्लैक ले लेता हूँ। उसके बाद में राइट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में हमें बैकग्राउंड चूज़ करना है, यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद एनेबल करना है, एनेबल करने के बाद हमें जो बैकग्राउंड अच्छा लगता है वो उस पर क्लिक करना है, मुझे येलो अच्छा लगता है। उसके बाद में उसके लिए मैं राइट दबाता हूँ। उसके बाद हमें स्ट्रोक पर क्लिक करना है, जो स्ट्रोक लिखा है यहाँ पर क्लिक करना है। स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद एनेबल करना है, एनेबल करने के बाद जो स्क्रॉल अप करना है यहाँ पर जो स्ट्रोक विड्थ 4 दिख रहा है उसको हमें कम करना है, यहाँ माइनस दिख रहा है लेफ्ट साइड, माइनस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में राइट पर क्लिक करता हूँ। देखिए यूट्यूब थंबनेल हमें पूरा बन चुका है। सो आप ऐसे करके यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं। यूट्यूब थंबनेल बनाने से हमें यूट्यूब वीडियो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, लोग यूट्यूब वीडियो आकर देखना चाहते हैं। सो ये जो मैं फ़ोटो ऐड करा है वो फ़ोटो आपको कैसे क्रिएट करते हैं, PNG टाइप कैसा करते हैं, अगर आपको पता है तो ओके, अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा करते हैं, मैं नेक्स्ट वाला वीडियो उस टॉपिक पर लाता हूँ। सो ऐसे करके आप यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करते हैं। देखिए हमें सेव कैसा करना है, जो ऊपर प्लस सिंबल के बाजू जो मेमोरी कार्ड का ऑप्शन दिखा रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज पर क्लिक करना है। सेव एज इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव टू गैलरी जो दिखा रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते कि देखो इमेज सेव हो चुका है। हेलो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो किस टॉपिक पर होना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू मेरे चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू बी गेट नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम रिज्यूटेक।